हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे। आप सब मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हो कि बिकनी लाइन के लिए या अंडर आर्म्स के लिए या लाइक जितने भी हमारी बॉडी पे सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं उन पे हम हेयर रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि पेनलेस हो, पेनलेस तरीका कौन सा हो सकता है। तो जो मैं प्रेफर करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज श्योर कर लें कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, कुछ लोग वैक्सिंग वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग रेजर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें रेजर से भी डर लगता है क्योंकि कट्स वगैरह, बम्प्स वगैरह होने का उसमें काफ़ी ज़्यादा डर होता है। और अगर सेंसिटिव एरियाज पे कट पड़ जाएगा तो वो जख्म की तरह हो सकता है, चोट लगने का डर है, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो वैक्सिंग है वो पेनलेस तरीका बिल्कुल नहीं है, उसमें बहुत सारा पेन आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप झेल सकते हो तो फिर तो ओके है, लेकिन जो लोग नहीं झेल सकते, आई नो काफी लोग हैं जो कि पेनलेस तरीका ही चाहते हैं अपने बिकनी लाइन पे, अपने अंडर आर्म्स एरियाज पे, लाइक अपने बॉडी के जितने भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पे हेयर रिमूव करने के लिए। सो गाइज, मैं हेयर रिमूवल क्रीम्स जो होती हैं उनको प्रेफर करती हूँ अपने सेंसिटिव एरियाज के लिए। और कौन सी यूज़ करती हूँ उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, ये एवरटीन की क्रीम हेयर रिमूवल बिकनी लाइन। ये स्पेशली फॉर बिकनी लाइन के लिए बनी है और ये अंडर आर्म्स के लिए बनी है। आप इसे बिकनी लाइन पे यूज़ कर सकते हो, आप इसे अंडर आर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी स्किन पे ये नहीं देती है। लाइक मैंने काफ़ी हेयर रिमूवल चीज़ें यूज़ करके देखी हैं, हेयर रिमूवल सोप यूज़ करके देखा है, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन वो सेंसिटिव एरियाज़ के लिए नहीं था। तो इसलिए सेंसिटिव एरियाज़ के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं इसको प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये स्किन को बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देता है। प्लस ये स्पेशली बिकनी लाइन और अंडर आर्म्स के लिए बना है एंड इंस्टेंटली इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। लाइक आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका पूरा जो एरिया है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सारे हेयर्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे और एकदम क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल भी ब्लैकनेस, डार्कनेस आपके नहीं होने वाली है अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हो तो। सो गाइस, पहले इसका एक ही वेरियंट आता था और इसको मैं यूज़ करती थी, ये था। सो गाइस, फर्स्ट वन है नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। ये मैं शुरू से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। मे बी मैंने शायद आगे भी आपके साथ इसे किसी ना किसी वीडियो में शेयर ज़रूर किया होगा कि जैसे रिकमेंड ज़रूर किया होगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। गाइस, जो सेकेंड वन है वो है रेडियंस चारकोल कोजिक एसिड एंड विटामिन सी। ये स्किन को रेडियंट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि इसमें कोजिक एसिड है, चारकोल है एंड विटामिन सी है। कोजिक एसिड जो है वो हर एक सोप में आपको मिल जाएगा, लाइक स्किन वाइटनिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्किन वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं या स्किन वाइटनिंग के सोप्स होते हैं, वहाँ पे आप उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो उसमें कोजिक एसिड ज़रूर होगा क्योंकि वो स्किन को वाइटन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। प्लस यहाँ पे विटामिन सी इसमें डाला गया है। विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन को ब्राइटन करने में, जितने भी डार्कनेस की प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करने में विटामिन सी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आप सबको पता है मैंने काफ़ी विटामिन सी की वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर की हुई हैं आगे भी। सो द थर्ड वन इज़ अ सिल्की। ये सिल्की स्किन के लिए है, इसमें है क्रैनबेरी एंड ककम्बर। ककम्बर भी जो है वो आपकी स्किन को लाइटन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि काफ़ी सारे DIYs करते हैं हम, ककम्बर यूज़ करते हैं तो हमें नेचुरली पता है कि ककम्बर जो है वो क्या क्या काम करता है हमारी स्किन को लाइटन करने में, जितनी भी डार्कनेस हो, इचीनेस हो, प्लस आपकी स्किन को सूदनेस प्रोवाइड करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। कोई भी इचीनेस वगैरह आपकी स्किन पे नहीं होने वाली है, तो ये क्रीम्स जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। सो गाइस, इसको जब आपने यूज़ करना है तो बहुत ही थोड़ा ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, अपने हेयर्स को अच्छे से कवर कर लेना है इस क्रीम के साथ और 2 से 3 मिनट तक वेट करना है एंड देन आप इसे वॉश कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक स्पैचुला मिल जाएगा, प्लस इसके अंदर आपको क्वाइन साइज टॉवल भी मिल जाएंगे जिसके साथ आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो अपने एरिया को। गाइज, इन्हें यूज करोगे तो कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होने वाली आपकी स्किन पे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे मैं इस तरह की चीजें यूज नहीं कर सकती थी पहले क्योंकि मुझे काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती थी। तो जब से इसे यूज कर रही हूँ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है, जरा भी जलन या कोई इरिटेशन या कोई रैशेज वगैरह होने का खतरा इससे नहीं हो रहा है जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। गाइज, ये एवरटीन ब्रांड जो है ये फेमिना पावर ब्रांड है, इससे आपको अपने रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा, लाइक आपको वजाइना जेल्स मिल जाएंगी यहाँ पे, इंटीमेट वॉशेज मिल जाएंगे, मेंस्ट्रुअल कप्स मिल जाएंगे, टॉयलेट सीट, सैनिटाइजर्स, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लड़कियों के लिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए मैं ये ब्रांड जो है यूज़ करती हूँ, इसकी काफ़ी चीज़ें मैं आगे भी यूज़ करती आई हूँ, अब भी कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि इससे रिलेटेड आप कोई वीडियो बनाएं। जब भी बिकनी लाइन पे इसे यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीमेट एरिया पे इसे ना जाने दें क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इसे यूज़ करना है। बाकी आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हो, कोई हार्मफुल
बिल्कुल इफेक्ट आपकी बिकनी लाइन पे बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी डार्कनेस इफेक्ट नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि आप जिस एरिया पे इसे यूज कर रहे हो तो वहां पे डार्कनेस हो जाएगी बाद में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लस आप इसे अंडर आर्म्स पे यूज करना चाहते हो तो बेझिझक कर सकते हो, वहां पे भी सेम आपको कोई डार्कनेस वगैरह, कोई इचीनेस वगैरह, कोई रैशेज वगैरह, इस तरह की कोई चीजें नहीं होने वाली है। क्योंकि आई नो ये एरियाज होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए मैं ऐसी चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए भी सही से काम करे जिस तरह से मेरे लिए कर रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर सकते हो आप आगे, और इस तरह की वीडियोस डेली लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।